चार मैं पारुल और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जिला युवा अधिकारी सुश्री तन्वी जी के निर्देश अनुसार लेखा एवं कार्यक्रम सहायक महिपाल सिंह एवं श्री धनंजय उपाध्याय जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत शारीरिक दक्षता दिवस के अवसर पर खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन विकास खंड टप्पल के ग्राम खेड़िया बुजुर्ग में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक विनय शर्मा और जवाहर सिंह द्वारा किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ दिनेश कुमार ग्राम प्रधान खेड़िया बुजुर्ग एवं सचिव प्रधान संगठन टप्पल जी ने किया। उन्होंने युवाओं को बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता युवाओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने में सहायक होती है और युवा इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेलों में भी अपना करियर बना सकते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल में ग्राम नागल खुर्द ने प्रथम तथा खेड़िया बुजुर्ग ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कबड्डी में खेड़िया बुजुर्ग की ही दोनों टीमों ने प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद में खेड़िया बुजुर्ग के विकास ने प्रथम, रंजीत गढ़ी के प्रमोद ने द्वितीय तथा खेड़िया बुजुर्ग सूरज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बता दें कि सभी विजेताओं को ग्राम प्रधान खेड़िया बुजुर्ग और वहां उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों द्वारा शील्ड और मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ प्रदेश समाचार। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।